इट्स अ ट्रायंगल। नहीं नहीं ये ट्रायंगल, अरे भाई ये वाला ट्रायंगल, हाँ हाँ यही ट्रायंगल। हाय एवरीवन, आई एम प्रिया एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल प्रियास प्लैनेट। तो आज मैं आई हूँ बाहर और मेरे हाथ में है ये 200 का नोट। जैसे कि आपने थंब में देख लिया होगा, आज मैं कर रही हूँ ट्रायंगल फूड चैलेंज, लेकिन अंडर 200 रुपीज़। यानी कि 200 रुपीज़ के अंदर हम लोग कितने ट्रायंगल फूड ट्राई कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो चलो वो देखते हैं। यहाँ पास ही में ना अग्रवाल है, तो चलो देखते हैं अग्रवाल में हमें क्या ट्रायंगल खाने को मिलता है। तो मैं आ गई हूँ अग्रवाल। एक समोसा और एक ब्रेड पकौड़ा, तो हमारे दो आइटम आ गए। ये आ गया हमारा समोसा ब्रेड पकौड़ा। कितने रुपए गए हमारे? 25 + 12 35 37 रुपीज़ गए। चलो सबसे पहले हमारा फर्स्ट आइटम जो ट्रायंगल का है वो है समोसा, तो वही मैं खा रही हूँ। और यहाँ पे मेरा टेस्ट ना थोड़ा बिगड़ गया है, इसमें कैप्सिकम डाला है। हाँ जी, कैप्सिकम की वजह से, लेकिन फीलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और इसका प्राइस भी 12 रुपीज़ है। जो सेकेंड आइटम है वो है ब्रेड पकौड़ा, और ये ब्रेड पकौड़ा काफ़ी ज़्यादा अलग है। इसमें आलू के साथ पनीर की फिलिंग है और ये खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी एंड क्रिस्पी है। इसी के साथ इसका प्राइस है 25 रुपीज़, जो कि वर्थ इट है। ब्रेड पकौड़ा और समोसा तो ज़बरदस्त था। अभी ना वो थोड़ा सा स्पाइसी भी था, मुझे कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, तो लेट्स सी अगर हमें कुछ मिल पाए ट्रायंगल में मीठा। मीठे का नाम लेते ही मुझे दिख गई यहाँ बेकरी, तो यहाँ से कुछ तो लेना बनता है। कौन सी? ट्रायंगल वाली। एक ये वाला दे दो, 25 वाला। तो जब भी बाहर वीडियो शूट करती हूँ ना, काफी शर्म आती है, लेकिन शर्म को साइड में रख के मैंने ले ली है पेस्ट्री, और जो कि मैंने अभी नहीं खाई है। क्यों? चलो देख लो वीडियो में। गाइस एक दुकान दिखी है जिसका नाम है पिज्जा कैपिटा, ठीक है, और इसका स्टार्टिंग प्राइस 79 रुपीज़ है। तो मुझे लगता है हमारा काम बन जाएगा, हमें पिज्जा खाने को मिलेगा। और यहाँ पर चोरों की तरह मैं शॉप में एंट्री लेते हुए, प्रिया तू पैसे देने वाली है पागल? तो यहाँ पे मेन्यू है, मेन्यू में दिखा है स्टार्टिंग प्राइस। तो मुझे लगता है हमारा काम बन गया है। गोल्डन कॉर्न पिज्जा भैया, एक ये गोल्डन कॉर्न पिज्जा कर दो। तो जो हमने पेस्ट्री लिया है वो हम यहीं आके खा रहे हैं। Let's have it. चलो मानो इस पेस्ट्री का प्राइस थोड़ा कम है 25 रुपए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कुछ भी उठा के दे दोगे। इसका टेस्ट काफी ज्यादा एवरेज है और ये खाने में काफी ज्यादा ड्राई है। वैसे अब तक हमारे टोटल 62 रुपीज़ खत्म हो चुके हैं और हमने ऑर्डर दिया है 79 रुपीज़ का पिज्जा। तो अब देखते हैं टैक्स वैक्स लगता है कुछ की नहीं, या फिर देखते हैं और क्या खा सकते हैं। तो यहाँ अंकल करे फोन पे बात और पिज्जा की मेकिंग भी चल रही है, और जल्दी से गोल्डन पिज्जा भी आ गया है जो कि काफी ज्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कुछ चीज भी होगा, बट है तो ये बिल्कुल राउंड। मैं तो कर रही हूँ ट्रायंगल फूड चैलेंज, लेकिन जब इसको हम ब्रेक करते हैं तो ये बन जाता है ट्रायंगल। तेरी मेरी लाइफ स्टोरी का एंगल ट्रायंगल। इस पिज्जा का ऑनेस्ट रिव्यू दो ना, ये काफी ज्यादा टेस्टी और जूसी है। बाकी पिज्जा जो मैं खाती हूँ तो मुझे काफी ज्यादा ड्राई फील होता है खाते वक्त, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लगा है। 80 रुपए में पूरा चीजी वाला पिज्जा मिलना और इतने बेहतरीन टेस्ट के साथ, ये किसी लॉटरी से बिल्कुल भी कम नहीं है। मैंने तो बड़े मजे लेके ये पिज्जा को खत्म किया। नेक्स्ट आइटम पिज्जा के शॉप से बाहर निकलते हमें दिख गया ये डोरिटोज, जो कि विजय फाड़ रहा है। पेट हमारा भर चुका था, इसीलिए मैंने 10 रुपए वाला डोरिटोज ले लिया है एट द एंड, मतलब कि एंडिंग हम उसी से कर रहे हैं। ट्रायंगल अब तक कितने रुपए खर्च होगा काउंट करके जरूर बताओ। हाँ हाँ मैंने भी नोटिस किया है पिछले वाले फुटेज में, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के बाय बाय गाइस। मेरे पैसे तो खर्च हो चुके हैं, ये विजय भाई के हैं। तो आज के ये चैलेंज करने में मुझे बड़ा मजा आया, आपको मजा आया कि नहीं? और इस ट्रायंगल फूड में से आपका कौन सा फेवरेट है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर आप चाहते हो ना कि नेक्स्ट मैं क्या ट्राई करूँ, तो वो चैलेंज भी आप सजेस्ट कर सकते हो। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और मैं आपसे मिलती हूँ परसों। तो टाटा।